नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले आईपीओ के बारे में, जो अभी करंट आईपीओ है उसके बारे में। उसके बाद जो हमारा सेंसेक्स निफ्टी है उसका ओवरव्यू जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट, इसका रिजल्ट आया है, हमने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था। उसके बाद IRCTC, SBI कार्ड, IOL, भारत डायनामिक्स और भारत रशियम, तो इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं रोसारी बायोटेक आईपीओ, तो ये जो रोसारी बायोटेक आईपीओ है इसका जो डेट है, प्राइस है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा रिसर्च जरूर कर लें। उससे पहले हम बता दें कि ये जो हमारा है रोसारी बायोटेक एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इसका जो आईपीओ ओपन हो रहा है 13 जुलाई से ओपन हो रहा है। इसका जो प्राइस होगा 423 रुपया से 425 रुपया, तो ये प्राइस बैंड है आईपीओ का और इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टोटल इक्विटी शेयर है वो है 1,16,82,000, कुल इतना फेस वैल्यू इसका 2 होगा और टोटल जो अमाउंट रेज करना है आईपीओ के थ्रू वो है 496 करोड़। आईपीओ 13 जुलाई से स्टार्ट होगा और 15 जुलाई को ये क्लोज होगा और इसका जो लॉट साइज होगा वो 35, मतलब 35 शेयर का लॉट में आप अप्लाई कर पाएंगे। एक लॉट 35 शेयर, दो लॉट 70 का, तीन लॉट करेंगे तो 105 शेयर, इस तरह के मतलब प्राइस मतलब लॉट साइज में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था हमारा जो रोसारी बायोटेक आईपीओ है उसका कि आप कितने के लॉट साइज में अप्लाई कर पाएंगे, कैसे अप्लाई करना है। तो आप जीरोधा के वेबसाइट से जाकर के आप अप्लाई करते हैं, सेरेखॉन जो भी मतलब ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, जो भी डिस्काउंट ब्रोकर, उसमें लगभग आपको मिल जाएंगे। तो हम जैसे जीरोधा में आता है आईपीओ का डेट 13 जुलाई, तो उस दिन आपको बताएंगे कैसे आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं जीरोधा से। उसके बाद अगर हम इसके बारे में एक्स्ट्रा बात करें तो जो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर एंकर इन्वेस्टर होता है कि जो कि करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो मिनिमम जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम एंकर इन्वेस्टर कहते हैं। आईपीओ जो लिस्ट होता है उससे पहले पब्लिक के लिए जो आता है तो उससे पहले एंकर इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एंकर इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट होता है वही बताता है कि जो आईपीओ है वो कितना स्ट्रॉन्ग आने वाला है। तो उसमें बहुत सारे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, गोल्डमैन सेच इंडिया, इस तरह के बहुत सारे मतलब फंड है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। यहाँ शुरू से आपको दिखाया जाता है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल, रोसारी में जो है कुल 8.3 करोड़ का, दोनों मतलब ये कंपनी जो अबू धाबी वाला है कोटक, दोनों 8.3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया आईपीओ में। उसके बाद मालाबार इंडिया, नीचे जाएंगे तो और बहुत सारे हैं, यहाँ पर देखते हैं अशोका अपॉर्चुनिटी फंड, गोल्डमैन सेच, उसके बाद IIFL, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI मिरेज एसर्ट, HDFC लाइफ, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है आईपीओ में। तो आपका भी अगर इंटरेस्ट है तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स निफ्टी का। तो सेंसेक्स अभी जो हमारा है वो 36,594 पॉइंट पर, और इसका बात करें हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर वन ईयर के चार्ट की बात करें तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 42,000 के आसपास था इसका हाईएस्ट पॉइंट। वहाँ से अभी भी ये देखते हैं 6,000 नीचे है, 5,000 समथिंग कहा जाए तो 5,000 समथिंग पॉइंट नीचे है, और इसका जो लोवेस्ट बना था वो 25,900 के आसपास इसका लो बना था। वहाँ से आप देख सकते हैं ये काफ़ी ऊपर जा चुका है हमारा मार्केट, 40% का मूवमेंट दिखा चुका है मार्केट। तो ये तो सेंसेक्स हो गया, वही निफ्टी आप देख लीजिए, निफ्टी का वन ईयर का चार्ट ओपन करते हैं तो निफ्टी भी करेक्शन दिखाया था। निफ्टी चल रहा था हमारा 12,400 के आसपास से ये यहाँ पर गिरावट आया 7,512 के आसपास तक। ये जो करेक्शन आया था वहाँ से 42% का रिकवरी दिखा चुका है निफ्टी 50, सेंसेक्स भी 40% ज़्यादा का रिकवरी दिखा चुका है। तो दोनों में काफ़ी तेज रिकवरी हुआ है, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखिएगा तो ये आपको एकदम भी से रिकवरी दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ से। तो अभी भी ये अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे काफ़ी नीचे है, अभी भी आप देख सकते हैं उससे काफ़ी नीचे है, लगभग 1400 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी अपने जो 52 वीक हाई था उससे, उसे 1400 का या 1700 पॉइंट, अभी 300 इसमें 11,000 होगा, वहाँ से 14
100 ऊपर, तो मतलब कुल मिलाकर के अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो है 1600 से 1700 पॉइंट नीचे है निफ्टी। यहाँ से करेक्शन भी आ सकता है या 11000 को ये टच भी कर सकता है, दोनों हो सकता है, आगे के मार्केट के सिनेरियो पर डिपेंड करता है। तो आप कनेक्ट जुड़े रहिए, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। निफ्टी हमारा सेंसेक्स और रिकवरी दिखाएगा या इसमें और गिरावट आएगा, ये निर्भर करता है हमारे आने वाले सिचुएशन पर। हमारा सिचुएशन अभी दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। फिर से लॉकडाउन यूपी में लग चुका है, तमिलनाडु में पहले से लॉकडाउन है, कई सारे स्टेट्स में जिसमें पहले से लॉकडाउन है, और भी नया स्टेट कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण लॉकडाउन लगा रहा है। तो लॉकडाउन अगर लग जाता है फिर से, तो फिर से लॉकडाउन लग जाता है, निश्चित है आपको मार्केट में करेक्शन देखने मिलेगा। साथ ही साथ ये ग्लोबल मार्केट पे बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा है। आपको डॉ जोन्स और जो नेस्डेक है, डॉ जोन्स फ्यूचर है, डॉ जोन्स फ्यूचर और डॉ जोन्स, इस दोनों को खास करके आपको देखते रहना पड़ेगा। उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट रिजल्ट में 88% की गिरावट आई है। 88% गिरावट कोई मामूली गिरावट नहीं है, अगर 15% 20% होता तो चल सकता था। 88% गिरावट आई है तो इसमें आपको काफ़ी करेक्शन देखने मिल सकता है। इसमें हमने आपको बता ही दिया, पहला 2200 का इसमें सपोर्ट है, दूसरा इसमें 2000 का सपोर्ट है। अगर 2000 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर इसमें 50% तक करेक्शन आ सकता है, 50% तक करेक्शन आ सकता है। तो ये आपको सोच के रखना है कि आपको क्या करना चाहिए इसमें। अगर आप इसमें प्रॉफिट में हैं तो बुक कर सकते हैं या इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आपका गोल 5 साल का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर सिचुएशन हमारा 5 महीने बाद भी नॉर्मल हो जाता है तो निश्चित है कि ये बहुत ही तेज रिकवरी आपको दिखाएगा। उसके बाद हमारा अगला है स्टॉक IRCTC। IRCTC का अभी Q4 का ही रिजल्ट आया, Q4 के रिजल्ट भी अफेक्टेड थे। तो जिस तरह से आपने एवेन्यू सुपरमार्ट का देखा 88% के रिजल्ट में गिरावट, उसी तरह का हो सकता है इसके रिजल्ट में भी 70% से 90% का गिरावट हो। तो वैसे में इस स्टॉक में भी करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, तो इसे लगातार अपडेट रहिएगा। अभी जो 1400 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर आपको अगर नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मत करें, अभी आप इसमें वेट एंड वॉच करें, अभी वेट करें, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है अभी कोरोना वायरस के कारण वो अभी अच्छा नहीं हुआ है, हम अभी भी काफ़ी बदतर स्थिति में हैं। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक्स है वो है SBI कार्ड। दोस्तों ये काफ़ी तेज रिकवरी दिखाया है, अगर आप देखेंगे तो ये 500 के आसपास चल रहा था, वहाँ से देखते हैं 40% का रिकवरी दिखाया, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये भी। इसमें भी काफ़ी गिरावट आया था, देखते हैं 500 के आसपास चल रहा था, वहाँ से ये 40% का रिकवरी दिखाया, तो काफ़ी तेज रिकवरी था इसमें भी। 40% का रिकवरी बहुत बड़ा रिकवरी होता है, और ये अभी देख सकते हैं 750 रुपीज़ इसका इश्यू प्राइस था, आईपीओ का जो इश्यू प्राइस था, वहाँ से मात्र 50 पॉइंट्स नीचे है। तो बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर निकले होंगे तो वो यहाँ से निकल चुके होंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है तो ये आपको देख सकते हैं कितनी फास्ट रिकवरी दिखाता है। इस स्टॉक का जो फेयर वैल्यू है, अगर सिचुएशन नॉर्मल होता है तो निश्चित है कि 800 के आसपास ये बहुत तेज रिकवरी दिखा सकता है। तो अगर आप नए हैं तो नए आप इसमें वेट एंड वॉच करें, अभी इन्वेस्ट ना करें, तो अभी आपको इसमें वेट करनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद अगला जो है हमारा IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, और इसमें जो आप देख सकते हैं मोमेंटम कितना बेहतरीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमेंटम। अगर आप सिर्फ एक साल में देखेंगे तो एक साल का रिटर्न आपको दिखाते हैं, इतना देखते हैं 248% का रिटर्न एक साल में, 248% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक साल में है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, अगर आपको गिरावट में मिलता है तो ऐसे स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो ये फार्मास्यूटिकल में भी है, केमिकल में भी है, दोनों सेक्टर में है। उसके बाद अगला है भारत रसायन। इसमें हमने वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखते हैं काफ़ी तेज़ ब्रेकआउट है। अगर आप इस हाई प्राइस पर एक बार फंस गए तो फिर दिक्कत है। तो कई सारे ने कमेंट किया जब आप इन्वेस्ट करने अभी इसमें नहीं बोल रहे तो फिर वीडियो क्यों बनाए। वीडियो इसलिए बनाए कि इस पर आपको नज़र रखनी है, इस पर नज़र रखना है। जैसे ये गिरावट मिलता है तो ऐसे जो अच्छे शेयर है उसमें जब करेक्शन आता है, जैसे अभी मोमेंटम आया है तो फिर से एक करेक्शन भी इसमें आ सकता है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स जब वो मोमेंटम दिखाते हैं फिर से एक करेक्शन उसमें आता है, तो जब करेक्शन इसमें आएगा तब फिर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, अभी आप यहां पर फिर फंस जाते हैं, यहां से करेक्शन आता है तो फिर आपको जो है दिक्कत होने लगेगा, आप सोचेंगे कि हम लॉस में ही बेच दें, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा करेक्शन आता है तब फिर इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इंटर करने के लिए प्राइस एकदम सही होना चाहिए, उसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग।
मतलब आपको किस प्राइस पर इंटर करना है ये भी पता होना चाहिए, फिर किस प्राइस पर एग्जिट होना चाहिए वो भी पता रहनी चाहिए। उसके बाद एक अगला और एक बेहतरीन स्टॉक है भारत डायनामिक्स, ये भी काफ़ी मोमेंटम दिखाया अभी के समय में। इसमें भी देखिए गिरावट जहाँ से आया था वहाँ से कितनी रिकवरी हुई है, 152% देख सकते हैं, जहाँ गिरावट हुआ था वहाँ से 152% का तेज़ी दिखा चुका है। मैक्सिमम में चार्ट देखिएगा तो कोई जात खास इसका चार्ट नहीं है, देख सकते हैं 2019 का ही लिस्टिंग है और इसका चार्ट पैटर्न अभी कुछ खास नहीं है। तो ये था बहुत सारे स्टॉक्स जो कि इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स है अभी मार्केट में, जिसमें काफ़ी तेज़ी किसी में काफ़ी गिरावट देखने आपको मिल सकती है, तो आपको इससे लगातार अपडेट रहना है। ऐसे स्टॉक में जो भारत डायनामिक्स अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जैसा लगातार चारों तरफ माहौल हमारा ख़राब होता जा रहा है ऐसे में हो सकता है मार्केट में आपको करेक्शन दिखे। मार्केट में अगर गिरावट आता है तो निश्चित है कि आपको इस सारे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने मिलेगा। तो जब गिरावट वाले मार्केट में हमें मिलेगा तो वहाँ पर हम लेंगे स्टॉक्स को सस्ते वैल्यू में लेंगे, हमें ज़्यादा स्टॉक्स मिलेगा, ज़्यादा स्टॉक मिलेगा तो जब वो फिर से रिकवर करेगा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इन सब बातों को आपको देखना है, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।